आखिर नेचुरोपैथी वही तो है। और ह्यूमन पैथी पे हम लोग रिसर्च करते हैं, दया, धर्म, क्षमा, परोपकार, सेवा, यही सब तो है ह्यूमन पैथी, यही तो है और क्या। होम्योपैथी, आयुर्वेद का सेवन हम भूल गए। मंदिरों में जो शंख बजते थे उससे फेफड़ों का कितना एक्सरसाइज होता था। आज बड़ी खुशी हुई हमें कि कल एक वाराणसी के हनुमान मंदिर, माता दुर्गा की भी स्थापना है वहाँ पे, उस मंदिर के एक महंत 6 मिनट तक लगातार शंख बजाया उन्होंने, मीडिया गई थी उनके पास। कितना गौरवान्वित लगता है कि आज भी उस ऋषि महर्षि का कुछ गुण, ईश्वरीय सत्ता का गुण विद्यमान है हमारे इस पृथ्वी धराधाम पे। और भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु फिर से बनेगा। जो दुविधाएं आ रही है, बाधाएं आ रही है, वह केवल और केवल कुछ विकृत मानसिकताओं के लिए। हम धर्म लड़ाइयाँ में लगे हैं, समुदाय लड़ाइयों में लगे हैं, लेकिन अब ज़रा गौर से देखें कि पहले खाट का सेवन करते थे लोग, हमारे बुजुर्ग और ऋषि मुनि, वो आज एक्यूप्रेशर के नाम से आ गया है। हर चीज़ का विकल्प हमने ढूंढना शुरू किया है और वो विकल्प एक क्लिनिक का रूप ले चुका है। हर चीज़ डब्बे में बंद हो चुका है, जैसे नीम डब्बे में बिकने लगा। उसके लिए पतंजलि की स्थापना करनी पड़ी श्री रामदेव बाबा को। विहंगम योग के भी आश्रम हैं जिसमें बहुत सारे च्यवनप्राश, कूटज, घनवटी, गिलोय, अर्जुना, शतावरी, कुरकुमा, लौंगा या बहुत सारे हल्दी के, टर्मरिक, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एक डब्बा का डब्बा में बंद करके उसको सेवा में या सेल के लिए लाया गया, डाबर कंपनी या फिर जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब हर चीज़ जो हम प्राकृतिक तौर पे हमें परमात्मा ने दिया था उसको हमने डब्बे में बंद करके कंपनियों में बेचना शुरू कर दिया। इसकी ज़रूरत, आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर नो डाउट रोज़गार बढ़ा, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय तो आवश्यकता ही कम थी, ज़रूरतें, ख्वाहिशें ही कम थी। आज हमें इतना करना पड़ रहा है कि उसको डब्बा में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना भूल गए, हम दातून करना भूल गए, बबूल के दातून से और नीम के डाल से, नीम के पत्ते उबाल करके पीना भूल गए, हरसिंगार के पत्ते उबाल करके पीना भूल गए। आज भी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बांस के पत्ते खाते हैं और पेड़ पौधों के पत्ते खाते हैं, वो उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? सबसे गंदा पानी हमारे ऋषि मुनि सेवन करते थे, जो तालाब था उस समय, वो तालाब का पानी भी बहुत स्वच्छ था, जिसको हम आज के डेट में गंदा कह रहे हैं। गंदा तो हमने किया है। आखिर मिट्टी के बर्तन में खाना बनते थे, एल्युमिनियम में खाना निषेध था। एल्युमिनियम में खाना बनाना, जो कुकर है आज, प्रेशर कुकर, तसला, ये सब बीमारियों का एक भंडार ले चुका है रूप। बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती है उसमें, समीकरण होते हैं, रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण गैस्ट्रिक का पेशेंट बनता जा रहा है हमारी पीढ़ी, हम और डायबिटीज़, शुगर, न जाने ये 2-2 लाख के, 3-3 लाख के जो हॉस्पिटल्स में टेस्ट हो रहे हैं, ये केवल ये डायग्नोस करने के लिए कि अब हम मेडिसिन इनको दे क्या, इनको निषेध क्या करें और इनको आगे प्रिकॉशन क्या लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आखिर वो लोग कहाँ गए इस पृथ्वी से जो केवल नब्ज देख करके, नब्ज पकड़ के शरीर के वस्तु स्थिति को प्रदर्शित कर देते थे? आखिर बॉडी में क्या चल रहा है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरतें हैं, क्या क्या उनको मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए आज के डेट में उनके शरीर को, इसका पता बता देते थे, क्लियर बता देते थे। आखिर वो लोग कहाँ चले गए? शंख बजाने से फेफड़ा का कितना फ़ायदा होता है, आज कोरोना में हम वही कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, इम्यून डेवलप कर रहे हैं। वो काढ़ा हमारे चाय जैसी दिनचर्या थी, आज भी आप जाओ मंदिरों में महंत के यहाँ तो चाय के बदले काढ़ा चलता है, ये दूध का और नींबू का और ग्रीन टी, नॉर्मल चाय नहीं चलता है वहाँ, चाय में आज भी काढ़ा चलता है। आप कई मंदिरों और मठों में आप चले जाना, वहाँ देख लेना, वो दिनचर्या में थी। फ्रूट्स में बहुत सारे ऐसे देवीय फ्रूट्स है ना,
नारियल जो को श्रीफल कहते हैं, जो परमात्मा को चढ़ाया जाता है,